नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हिंसा कंट्रोल के लिए उपद्रवियों पर एक्शन के लिए 167 FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तार लोगों की संख्या 885 पहुंच चुकी है। 12 मामलों में SIT ने साइबर सेल से मदद मांगी है। हिंसा में फरार चल रहे पार्षद ताहिर की तलाश की जा रही है। दिल्ली हिंसा पर मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है। आज से पीड़ितों को मदद दी जाएगी। कुल मिलाकर अब कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। जहां पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है, वहीं जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन किया जा रहा है। 167 FIR दर्ज की गई है और 885 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 मामलों में SIT ने साइबर सेल से मदद मांगी है। हिंसा में फरार चल रहे पार्षद ताहिर की तलाश की जा रही है। दिल्ली हिंसा पर मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है। पीड़ितों को मदद मिलेगी। गिरफ्तार लोगों की संख्या 885 पहुंच चुकी है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। शंकर, एक तरफ हिंसा हुई, अब स्थिति कंट्रोल में देखने को मिल रही है। मुआवजा एक तरफ देने की बात कही जा रही, दूसरी ओर गिरफ्तारियां भी 885 तक पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए अब दो तरफा काम हो रहा है। जहां लोगों को राहत देने की भी जो जरूरत बहुत बड़े लेवल पे है वो भी सरकार दे रही है, जिसमें कि मुआवजा भी शामिल है। और साथ ही जिनका घर पूरी तरह से जल गया या आधा घर जल गया, उनके भी रहने की व्यवस्था तत्काल तौर पे सरकार की तरफ से की गई है। वहीं जो मुआवजे को लेकर कल भी मुआवजा दिया गया था, अभी फिलहाल जो मुआवजा है वो इस रूप में दिया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का इस दिल्ली हिंसा में घर पूरी तरह या आधी जल गया है, उन्हें तत्काल सरकार की तरफ से 25,000 नगद दिया जा रहा है मदद के तौर पे, जिससे कि वो तत्कालिक तौर पे अपनी व्यवस्था कर सके। इसको लेकर कल भी दिया गया था करीब 69 लोगों को, और आज भी ये मतलब उन्हें मदद दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इस मामले में जो भी लोग शामिल रहे हैं, एक जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी से पूर्व में जो जुड़े हैं और पार्षद निगम पार्षद ताहिर हुसैन का, उसको लेकर जो अपडेट है कि अभी तक ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इसमें छापेमारी कर रही है और ताहिर हुसैन का जो उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले में जो पैतृक गांव है वहां भी दिल्ली पुलिस की टीम गई थी, लेकिन वो दिल्ली पुलिस के हाथ से नहीं लग पाया ताहिर हुसैन। और जहां भी संभावित जगह है वहां भी पुलिस की टीम छापे मार रही है। वहीं देखे तो अभी तक कुल 785 लोग हैं जिन्हें या तो हिरासत में लिया गया या जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं अगर FIR की बात करें तो कुल 166 FIR दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कि SIT और साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है 12 मामलों पर। कौन से वो मामले हैं? देखिए, ये जो है भड़काऊ पोस्ट करने के जो मामले हैं इसको लेकर, क्योंकि इसमें जांच जो है क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और जो SIT की दो टीम बनी है, तो साइबर सेल को ये मामला सौंपा गया है और साइबर सेल जो है इस पे डिटेल्स दे रही है SIT को कि इस तरह के जो पोस्ट है डालने वाला क्या है, ये पहली बार डाल रहे पोस्ट या क्या है। तो साइबर सेल से जो जुड़े मामले हैं उसमें 12 मामला दर्ज किया गया है और भी इस पे दिल्ली पुलिस जो है पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस और भी इसमें नजर बनाए हुए। वहीं आप देखें तो 1000 से भी ज्यादा संख्या में CCTV के जो फुटेज है उसको खंगाले गए हैं या खंगाले जा रहे हैं। जिन फुटेज में तस्वीर क्लियर नहीं उसमें भी साइबर सेल की मदद ली जा रही है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा जो इस मामले में आरोपी या यूं कहें कि जिनकी संलिप्तता है, जिनकी भूमिका रही है दिल्ली को जलाने में, उनको धरपकड़ किया जा सके। तो कुल मिला के देखें तो जो SIT जो दो टीम बनी है वो जोर शोर से अपना काम कर रही है और जो भी इसमें शामिल रहे हैं दिल्ली को जलाने में उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इसको लेकर शंकर बता दें आपको कि आज से पीड़ितों को मदद दी जाएगी और अब दिल्ली में डैमेज कंट्रोल की कोशिश लगातार की जा रही है।